हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज 2020 का पहला दिन है, राइट? और आप सबको मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बट मैं आपको आज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ नए साल को लेकर, ठीक है? आज सब लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं बोलता हूँ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको एक चीज और ध्यान में रखकर चलना है दोस्तों। एक्चुअल में न्यू ईयर का मतलब क्या होता है हमारी लाइफ के लिए, हमारे करियर के लिए, वो भी आपको ध्यान में रख के चलना। तो दोस्तों, कई लोग या बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे न्यू ईयर आता है, 31st, जैसे कंप्लीट हुआ 31st दिसंबर, कंप्लीट हुआ जैसे ही रात को 12 बजता है, लोग क्या करते हैं, पार्टी सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, राइट? तो आप पार्टी सेलिब्रेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान में रखना है दोस्तों। मेरे अकॉर्डिंग न्यू ईयर का मतलब ये होता है कि जैसे ही रात के 12 बजे, राइट, जैसे ही रात का 12 बजता है, नया साल जैसे ही लगता है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले पार्टी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले एक पेन और ब्लैंक पेज लेना चाहिए और उसमें अपने गोल स्टेटमेंट लिखना चाहिए, राइट? गोल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आप 2020 पे क्या अचीव करना चाहते हैं, वो चीज आप वहां पे अपने गोल स्टेटमेंट में लिखिए। क्या टारगेट है, ये सारी चीजें आप लिखिए। इट मींस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पार्टी को सेलिब्रेट करने से पहले सबसे पहले गोल स्टेटमेंट बनाइए, देन उसके बाद पार्टी को सेलिब्रेट करिए। तो अगर आप गोल स्टेटमेंट बना लेते हैं और फिर उस गोल स्टेटमेंट की हैप्पीनेस को पूरा करने के लिए आप पार्टी करिए, तो बेस्ट है, तो आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा, एंड राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, गोल स्टेटमेंट कुछ नहीं बनाते, वो डायरेक्टली पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है न्यू ईयर आ गया, बहुत बढ़िया। बट आप बहुत ही बड़ा एक ब्लंडर मिस्टेक कर रहे होते हो अपनी लाइफ के, राइट? आप पूरी जनवरी पार्टी करते हो, राइट, फिर फेब में भी पार्टी करते हो, और मार्च जब आता है तो आप कंपनी वालों से एक्सेप्ट करते हो कि हमारी सैलरी इंक्रीमेंट कर दो। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कभी भी कोई कंपनी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं करती है। आपकी सैलरी इंक्रीमेंट आपके नॉलेज बेस पे होता है, आपके स्किल्स बेस पे होता है, और आप अपनी नॉलेज स्किल्स तभी आप के अंदर डे बाई डे आएगा अगर आपके पास कोई गोल स्टेटमेंट है, राइट? अब गोल स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैं कहता हूँ गोल स्टेटमेंट आप एक टारगेट बनाइए कि 2020 में मुझे क्या करना है। इट मींस 2020 में, फॉर एग्जांपल, कि 2020 में आपको किसी नई कंपनी को स्विच करना, राइट? वो आप लिखिए कि इस पर्टिकुलर डेट को एंड टाइम को मैं इस कंपनी को चेंज करके एक और हाई लेवल कंपनी पे स्विच कर जाऊंगा, या 2020 के लास्ट 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 जनवरी, इट मींस लास्ट जनवरी तक मैं, हो सकता है कि इंडिया को से मूव करके मैं आउट ऑफ कंट्री की किसी कंपनी में जॉब करूं, ये गोल स्टेटमेंट मैं आपको कह रहा हूँ, राइट? या फिर आप, आपके पास कोई ऐसा पंचलाइन होगा, कोई स्टेटमेंट होगा कि यार मुझे 2020 में एक कार लेनी है, तो वो गोल स्टेटमेंट में आप ऐड करिए, राइट? आपको कोई घर लेना है, वो आप गोल स्टेटमेंट में ऐड करिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप एक गोल स्टेटमेंट बनाकर अपने पास रखिए। तो जैसे ही आपका न्यू ईयर लगता है, तो सबसे पहले आपको गोल स्टेटमेंट बनाना चाहिए, बाद में आपको कोई भी चीजें वो बाद में काम करना चाहिए। बट हम ऐसा नहीं करते हैं, और ऐसा जब हम नहीं करते हैं तो हम बहुत ही बड़ा एक गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, और इसकी सजा हमें मिलती है, और डेफिनेटली मिलती है, हिडन मिलती है, बट मिलती है, राइट? तो आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ने अगर गोल स्टेटमेंट 2020 का नहीं बनाया, तो आज और अभी बना लीजिए, बेनिफिट में रहेंगे, क्लियर? अब बात आती है कि भाई गोल स्टेटमेंट में लिखा क्या जाए, क्या बनाया जाए। बहुत सारे लोगों को मिस्टेक, कंफ्यूजन रहता है कि गोल स्टेटमेंट में क्या लिखा जाए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर मैं अभी आपको 20 करोड़ रुपए दे दूं तो आप क्या करें? तो बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि हम 20 करोड़ रुपए जैसे अगर मुझे मिल जाता है, तो मैं एक लैपटॉप परचेज करूंगा, एक कार परचेज करूंगा, राइट, मैं इंडिया से बाहर टूर पे चला जाऊंगा, घूम के आ जाऊंगा, बहुत सारे लिस्ट आपके सामने आ जाते हैं। तो यही लिस्ट मैं आपको कह रहा हूँ कि आप गोल स्टेटमेंट में लिख लीजिए बस, कि 2020 में मैं इस डेट को ये परचेज करना है, ये मुझे टूर पे जाना है, वो सारी स्टेटमेंट लिखिए और विद डेट पंचलाइन के साथ लिखिए। तो क्या होगा कि अगर आप गोल स्टेटमेंट है, तो आपको एक बेनिफिट हो जाता है कि आपकी लाइफ में जो भी छोटी छोटी गलतियां आती है ना दोस्तों, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है आपकी लाइफ में, वो प्रॉब्लम्स आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम्स नजर आने लगी, राइट? सिर्फ आपको क्या नजर आएगा, आपका गोल, कि मुझे गोल अचीव करना है। तो गोल स्टेटमेंट से एक फायदा और होता है कि आपकी 2020 ईयर में जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों, वो सारी चीजें मैं अभी नहीं बता सकता, राइट? तो चलो फिर, हम लोग ये सब तो एक नॉर्मल बातें थी, और अब मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ।
जिस टॉपिक में मुझे आज वीडियो बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको कल मैंने एक वीडियो बनाया था जॉब शेड्यूलिंग के ऊपर लिनक्स पे, तो 80 कमांड मैंने कल कंप्लीट कर दिया था और आज मैं क्रॉनटैप के टॉपिक के बारे में बात करूँ। तो आज हमारी जो लैब होगी वो क्रॉनटैप के ऊपर पूरी की पूरी लैब। ठीक है दोस्तों, चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। हाँ एक चीज और है, आप मेरे बैग में देख रहे हो कि मेरे पास डेवऑप्स है, एज्योर है, एंसिबल है, लिनक्स भी है और बैकएंड में आप देखो तो गूगल क्लाउड, राइट। तो आप इन पोस्टर के बारे में जरूर मुझे कमेंट करिएगा, आपको अच्छे लग रहे हैं, आप कैसे लग रहे हैं, जैसा भी लग रहा है आप मुझे जरूर बताइएगा। चलो हम लोग फिर शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक जो है आज क्रॉनटैप की प्रैक्टिकल आज हमें करना है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास लिनक्स मैंने लॉगिन ऑलरेडी एक्सेस कर रखा है यहाँ पर, और क्रॉनटैप की लैब करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रख के चलना होगा, और वो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपके सिस्टम में क्रॉनटैप का पैकेज अवेलेबल होना चाहिए। अगर पैकेज नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। मीन्स आप क्रॉनटैप जैसे शेड्यूलिंग क्रॉनटैप के बेस पे शेड्यूलिंग नहीं कर सकते अगर आपके सिस्टम में क्रॉनटैप का पैकेज नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पैकेज कैसे चेक करते अवेलेबल है या नहीं है। तो बहुत सिंपल कमांड आरपीएम स्पेस हाइफन क्यूए, और यहाँ पे आप ग्रैब करिए और उसके बाद क्रॉनटैप लिख, तो क्रॉनटैप का पैकेज अवेलेबल है। अगर मान लीजिए क्रॉनटैप का पैकेज नहीं होगा तो आप यम इंस्टॉल क्रॉनटैप कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद एक कमांड स्टार्ट और इनेबल कर लीजिएगा, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट क्रॉनटैप डी, सॉरी क्रॉनटैप। cron.dsl आई थिंक, यस या cron.d है। तो आप स्टार्ट करिएगा और उसके बाद क्या करिएगा, इनेबल करिएगा बस। इसके बाद आप क्रॉनटैप की कमांड को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा दोस्तों कि क्रॉनटैप के थ्रू शेड्यूलिंग करने का सिंटेक्स आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास सिंटेक्स नहीं है तो आप बहुत ही बड़ा आगे चल के मिस्टेक करते रहोगे। तो सबसे पहले सिंटेक्स कैसे पता करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर सिंटेक्स को पता करने के लिए कैट एटीसी क्रॉनटैप, तो ये देखिए दोस्तों आपके सामने सिंटेक्स, ये सिंटेक्स है। फर्स्ट वाला जो फील्ड होगा उस पर आप मिनट की वैल्यू लिखोगे, राइट, किस मिनट पे आपको वो जॉब एक्सिक्यूट करना है। सेकेंड वाला फील्ड जो होता है वो आवर्स की वैल्यू होती है दोस्तों, कौन से आवर्स में आपको जॉब शेड्यूल करवाना है। थर्ड वाली वैल्यू जो होगी दोस्तों यहाँ पर ये डे ऑफ मंथ, मतलब पूरे मंथ में कौन से दिन को आपको चलानी है जॉब, वो यहाँ पे वैल्यू लिखे हुए। उसके बाद होता है मंथ, राइट, आप जॉब कौन से मंथ में चलाना चाहते हैं। जैसे आपके ईयर में 12 महीने होते हैं तो आप कौन से मंथ में चलाना चाहते हो, वो वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद डे ऑफ वीक होता है कि हफ्ते में आप वीक में कौन से दिन को चलाना चाहते हो, वो आप यहाँ पे लिखोगे, राइट। उसके बाद आप किस यूजर से कमांड एक्सिक्यूट करना चाहते हो वो वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे, और देन उसके बाद यहाँ पे आप कमांड लिखोगे कौन सी कमांड आपको एक्सिक्यूट करनी है। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान में रखना है। तो अब मैं एक नया जॉब आपको शेड्यूल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेट कमांड से ना एक टाइम निकाल लेता हूँ कि अभी कितना टाइम हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर 1 जनवरी 9:35 हो रहा है, राइट। तो हम एक जॉब शेड्यूल करेंगे, वो जॉब क्या होगा, 9:37 में एक कमांड एक्सिक्यूट करेंगे क्रॉनटैप के थ्रू। तो क्रॉनटैप लगाने का सिंटेक्स क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। कमांड्स क्या होता है, क्रॉनटैप हाइफन ई, तो क्रॉनटैप हाइफन ई अगर आप करोगे तो एक फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी, राइट। ये लीजिए ये फाइल ओपन हो गई, ये जस्ट एक नॉर्मल फाइल है जैसे वीआईएम से आप ओपन करते हैं। तो आपको आई प्रेस करना है, इंसर्ट मोड में आना है, और देन उसके बाद आपने यहाँ पर वैल्यू लिखना है। तो सबसे पहला वाला फील्ड क्या होता है, मिनट। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर डेट कमांड से देख लेता हूँ, 9:36, राइट, सॉरी दूसरा वाला टर्मिनल बैकएंड। तो यहां पर मैंने टाइमिंग दे दिया 39 दे दिया, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे आवर्स कौन से आवर्स पे चलानी है, तो अभी 9 बज रहा है तो मैं 9 दे देता हूँ, राइट। उसके बाद आपका डे ऑफ मंथ कौन से डे को चलानी है, तो मैंने बोला 1 तारीख को चलानी है,
राइट, आप यहाँ पर टैब भी दे सकते हो या स्पेस भी दे सकते हो, चले। उसके बाद कह रहा है मंथ, कौन से मंथ को चलानी है, तो मैंने बोला जनवरी को चलानी है, तो आप ऐसे भी दे सकते हो या फिर आप जैन भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा। राइट, मैं दोनों करके दिखाऊंगा। एक बार मैं नंबर लिख के दिखाता हूँ आपको, ये लो, एक बार हम न्यूमेरिक भी लिख के देख लेंगे। उसके बाद कह रहे डे ऑफ वीक, कौन से वीक को चलानी है, राइट, सॉरी वीक में कौन से डे को चलानी है। तो आज हमारा वीक का तीसरा डे है, तो मैंने यहाँ पे थर्ड लिख दिया, राइट। उसके बाद आपको बोलता है कि कौन से यूजर से चलानी है, तो हमने यहाँ पे बोल दिया रूट यूजर से चलानी है। अगर आपको नॉर्मल से चलानी है तो नॉर्मल यूजर लिख दीजिए। अगर आप यहाँ पर यूजर नेम नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जिस यूजर से आपने बैठ के क्रॉन्टैब हाइफन किया है उसी के अकाउंट में बाय डिफॉल्ट उसी के अकाउंट से बाय डिफॉल्ट पिकअप कर लेगा। और देन उसके बाद आप यहाँ पे आपकी कमांड लिखेंगे, कौन सी कमांड आपको एक्सक्लूड कर दी। तो मैंने इको कमांड लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू 2020 ईयर, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद मैंने बोला इसको क्या करिएगा, एक फाइल पे अपेंड कर दीजिएगा india.txt, क्लियर। तो ये वाली जॉब मैं एक्सक्यूट करना चाहता हूँ। तो अभी मैं टाइमिंग देख लेता हूँ, तो 38 हो चुका है और अब मैं इसको जल्दी से सेव करता हूँ, 39 पहुंचने से पहले। तो मैंने इसको सेव कर दिया, राइट। तो अब डेट कमांड चला के देखते हैं, तो 9:38 हो गया, जैसे 39 पहुंचेगा ये कमांड एक्सिक्यूट हो जाएगी और यहां पर एक फाइल आ जाएगी। अभी कोई फाइल नहीं, जैसे ही एक्सिक्यूट होगा फाइल आ जाएगी और उसके अंदर वो कंटेंट भी आ जाएगा। तो डेट कमांड मैंने किया, हो चुका है, फाइल आ जानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों फाइल आ गई, इस फाइल के अंदर वो कंटेंट भी आ गया, देख सकते हो। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। इसी तरीके से अब थोड़ा सा मैं और आपको थोड़ा सा एडवांस दिखा देता हूं। अगर मैंने यहां पर क्रॉन्टैब हाइफन एल करूंगा तो देखिए बताया गया जो आपने जॉब लगाया है वो यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस पे, क्रॉन्टैब हाइफन। और अगर मैं यहां पर देखिए, यहां पर आप मंथ आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने यहां पर जैन दे दिया, राइट, तब भी एक्सक्यूट होगा। थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा देता हूं यहां पर मैं, और टाइमिंग में यहां पर कर देता हूं 41। और इस बार मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट फाइल दे देता हूं, राइट। यहां पर मैंने बोला यहां पर अब एक जिससे मुझे पता लग सके, myfile.txt। चलो तो अब ये भी एक्सक्यूट होगा, एक नई फाइल आ जानी चाहिए, 40 हो गया, 1 मिनट के बाद ये एक्सक्यूट होगा। तो वेट कर लेते हैं 1 मिनट का। तो बस मैं 1 मिनट, तब तक मैं वीडियो को कर देता हूं पॉज। तो ये देखिए डेट 41 कंप्लीट, और आई थिंक वो फाइल आ जानी चाहिए। तो देख सकते हैं ये फाइल यहाँ पे आ गई, राइट। तो मैंने अब कैट माई फाइल करता हूँ, तो देख सकते हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा और एडवांस मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉन्टैब के बारे में। क्रॉन्टैब, अगर आप क्रॉन्टैब -e करिए, और अगर मुझे ये जॉब एवरी मिनट चलानी है तो आप क्या करेंगे। तो अगर आपको ये जॉब एवरी मिनट चलानी है दोस्तों, तो आप यहां पर क्या करिए, स्टार कर दीजिए, राइट, मिनट वाले फील्ड में स्टार। स्टार का मतलब आपको एवरी मिनट चलेगी, एवरी मिनट। तो अब मैं इसको स्टार करके अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इसको वॉच कमांड में डालता हूं, myfile.txt को वॉच में डालता हूं। तो देखिए वो हर मिनट में एक लाइन अपडेट होता जाएगा, क्योंकि मैंने अपेंड का सिंबल लगाया, हर मिनट में चलता जाएगा, हर मिनट में एक लाइन अपेंड होती जाएगी, देखते जाएगा, एवरी मिनट डाला। तो मैं अब वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूं, आप देखते जाइएगा, 1 मिनट जैसे ही होगा वो कमांड फिर एक्सिक्यूट होगी, अपेंड, फिर 1 मिनट कंप्लीट, कमांड एक्सिक्यूट, फिर अपेंड, हर मिनट वो चलती जाएगी। इसलिए मैंने इसको वॉच कमांड में लगाया, जिससे आप देख सको लाइव पूरा।
देख सकते हो दोस्तों, आ गया, ऐसे आपका कंटिन्यूसली आता रहेगा, राइट। इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे आगे मैं आपको इसको समझाता हूँ, कंट्रोल सी करके मैंने बाहर आया। अब अगर आप प्रॉन्टेफ हाइफन ई अगर आप चाहते हो एवरी मिनट नहीं एवरी 10 मिनट में चले, या एवरी 2 मिनट में, या एवरी 5 मिनट, या एवरी 30 मिनट, तो क्या करो? तो आप अगर स्लैश 2 कर दोगे तो एवरी 2 मिनट में ये कमांड एक्सक्यूट, अगर मैं 10 कर दूंगा तो एवरी 2 मिनट 10 मिनट में ये कमांड एक्सक्यूट, और सिर्फ स्टार रहने दोगे तो एवरी मिनट ले लेंगे। तो मैं स्लैश 2 करता हूं तो अब देखिए हर 2 मिनट में चलेगी। तो यहां पर मैंने वॉच लगाया आपके सामने, सेम कमांड वॉच लगाया, और यहां पर मैं स्लीप 120, राइट। तो ये स्लीप, देखिए तो स्लीप 120 का मतलब क्या हुआ, ये 2 मिनट तक टर्मिनल को बिजी रखेगा मुझे, तो एक टाइमिंग वॉच हिसाब से मैंने लगाया। तो देखिएगा 2 मिनट के बाद ही आएगी, 1 मिनट में नहीं आएगा, 2 मिनट के बाद आएगी। अभी ये एवरी मिनट नहीं चलेगा, ये 2-2 मिनट में चलेगा। तो वीडियो को मैंने पॉज नहीं किया है, लाइव है, आप देखिएगा। स्लीप जैसे कंप्लीट होगा एक लाइन आ जाएगी, क्योंकि स्लीप 120 का मतलब मैंने 120 सेकंड मेंशन किया, और 60 सेकंड का एक मिनट होता है, आप सबको पता है। दो मिनट आज बहुत लंबा लग रहा है। आई थिंक अब कंप्लीट होने ही वाला है। बस लास्ट ही है। यस, चलो कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया सर, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। एक चीजें और आपको दिखाता हूं, प्रॉन्टेफ हाइफनी दोस्तों, अब ये एवरी 2 मिनट में चलेगा, मानते बात को, लेकिन ये चीजें भी मैच हो रही, अब ये चीजें मैच होने का मतलब क्या है कि अगर 10 बज गया तो नहीं चलेगा, राइट, 9 बजे ही चलेगा, इसी ये मतलब ये आवर्स की वैल्यू है, ऐसी 1 तारीख को ही चलेगा, जनवरी के मंथ में ही चलेगा, और वीक के तीसरे दिन ही चलेगा, ये चीजें भी मैच होनी चाहिए, राइट। अगर मान लो यहाँ पे अभी तो 9 बज रहा है, और अगर मेरे सिस्टम में 10 बज जाएगा तो फिर ऐसा नहीं है कि वो तब भी चलता रहेगा हर 2 मिनट, नहीं सर ऐसा नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि 10 बजे भी चले तो फिर क्या करना होगा, तो यहां पर फिर आवर्स की वैल्यू में आके स्टार कर दीजिए, तो ये स्टार का मतलब एवरी आवर्स हो जाएगा, और अगर मैं यहां पर आकर कर दिया क्या स्टार, इसका मतलब एवरी डे हो जाएगा फिर, और अगर मैं यहां पर जैन की जगह स्टार कर दूं तो एवरी मंथ हो गया, और अगर मैं यहां पर कर दूं तो वीक के एवरी डे, राइट। तो अब ये हर 2 मिनट में एक्सक्यूट होता रहेगा, हर 2 मिनट। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, अब ये हर 2 मिनट में एक्सक्यूट होता रहेगा। मैं 2 मिनट की वैल्यू को थोड़ा कम कर देता हूं दोस्तों, यहां पर मैं 1 कर देता हूं, राइट, और मैं फिर से वॉच पे लगाता हूं इसको, कैट वॉच पे लगाया, और यहां पर मैं इस बार स्लीप 60 करता हूं, तो देखिए हर 1 मिनट में वो एक्सक्यूट होता रहेगा, एवरी 1 मिनट। अब
पहले वाला जो मैंने लगाया था 1 मिनट वाला, वो तो भाई वो सारी वैल्यू को मैच करता, अगर सारी वैल्यू मैच हो रही तभी, राइट। यहां पर मैंने सारी वैल्यू को इक्वल कर दिया, मतलब मिनट वाले को मैंने एवरी 2 मिनट्स कर दिया, आवर्स को मैंने स्टार कर दिया मतलब एवरी आवर्स, डे को भी मैंने स्टार कर दिया मतलब एवरी डे, है ना, मंथ को भी मैंने स्टार कर दिया मतलब एवरी मंथ, और डे ऑफ वीक को भी मैंने स्टार कर दिया वीक के एवरी डे। लो अब ये हर 2 मिनट कंटिन्यूसली चलता रहेगा, 2 मिनट नहीं मैंने 1 दिया सॉरी, हर 1 मिनट में चलता रहेगा, हर 1 मिनट देखते रहिएगा। अभी रुकने वाला नहीं है, राइट, क्लियर। चलो अब थोड़ा सा और आगे मैं इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ, राइट। 25 दोस्तों, अगर कोई आपसे बोले कि एवरी आवर्स वाले फील्ड में आपको अब एवरी आवर्स नहीं चलानी, हर 2 घंटे में चलानी, लो हर 5 घंटे में चलानी या हर 3 घंटे में चलानी, तो क्या करोगे, यहां पर स्टार स्लैश 2 कर दो, अब क्या होगा, हर 2 घंटे में चलेगी, एवरी आवर्स नहीं हर 2 घंटे में चलेगी। इसी तरीके से मैं एक बार क्रॉनटैप का सिंटेक्स और ओपन कर लेता हूं, क्रॉनटैप ये आपका डे ऑफ मंथ हो गया। अब यहां पर स्टार का मतलब क्या है, एवरी डे, अब एवरी डे नहीं करना, हर 2-3 के बाद करना, तो सिंपल है, स्लैश 2 कर दीजिए, हर 2 दिन के बाद होगा, हर 3 दिन के बाद करना है 3 कर दीजिए यहां पर, क्लियर। इसी तरीके से ये कौन सी फील्ड थी दोस्तों, ये मंथ की थी, राइट। अब आपको एवरी मंथ नहीं करना, स्टार का मतलब क्या, एवरी मंथ चल रही है, एवरी मंथ नहीं करना मुझे, 3-3 महीने के बाद करनी है, तो यहां पर स्लैश 3 कर दीजिए, क्लियर। अब यहां पर देखिए क्या आ रहा है, स्टार ये आपका डे ऑफ वीक का है, अब वीक के एवरी डे नहीं करना, वीक में जो डे आता है उसके 2-2 दिन के बाद करना है, स्लैश 2 कर दीजिए, क्लियर। इस तरीके से दोस्तों इसको और भी आप मोर जेनरिक कस्टमाइज कर सकते, क्लियर। तो चलो इसी तरीके से आपने जो क्रॉनटैप लगाया, अगर आपको देखनी है क्रॉनटैप लगा है कि नहीं लगा, वो कैसे देखेंगे, क्रॉनटैप हाइफन एल, देखिए क्रॉनटैप लगा, और मान लो अगर आपको क्रॉनटैप डिलीट करना है तो कैसे करोगे, तो बड़ा सिंपल है, आप यहाँ पे क्रॉनटैप हाइफन आर कर दीजिए, लो डिलीट। अब अगर मैं यहाँ पर क्रॉनटैप हाइफन एल करूं, गायब, कोई क्रॉनटैप नहीं, क्लियर। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको क्रॉनटैप लगाना है लेकिन आप किसी अदर यूजर के थ्रू लगाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने एक यूजर बनाया यहां पर, यूजर एट क्लाउड नॉलेज, और मैंने इसका पासवर्ड भी दे दिया, तो अब मैं क्रॉनटैप किसी यूजर के थ्रू लगाना चाहता हूं, रूट से नहीं, तो बहुत सिंपल है, आप यहां पर करिए क्रॉनटैप हाइफन यू एंड यूजर का नाम जो भी है, क्लाउड नॉलेज जो आपने बनाया, हाइफन ई, बस अब आप यहां पर डिफाइन कर दीजिए स्टार, अगर मैंने स्टार स्टार कर दिया तो ये एवरी पिकअप कर लेगा, राइट, हर फील्ड में मैंने स्टार कर लिया। लो क्या कमांड चलाना है, मैंने बोला यहां पर एक फाइल क्रिएट कर देना, जो भी कमांड है आपने लिख दिया, टच और abc.txt, और कहां पर क्रिएट कर देना, मैंने बोला रूट पे नहीं, टेम्प नाम के डायरेक्टरी के अंदर, दैट्स इट, क्लियर। तो फाइल को सेव करके बाहर आता हूं, तो ये मैंने नॉर्मल यूजर के थ्रू लगाया, तो अब देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे, क्रॉनटैप हाइफन यू और यन, सॉरी मुझे यू के बाद यूजर भी लगाना पड़ेगा, क्लाउड नॉलेज, देख सकते हो ये क्रॉनटैप लगा हुआ। तो अब मैं सीडी करके अगर टैंप में जाता हूं, तो देखो अब जो भी जॉब चलेगी वो रूट के थ्रू नहीं चल रही, वो क्लाउड नॉलेज यूजर के थ्रू चलेगी, तो यहाँ पे फाइल बनेगा 1 मिनट के बाद, और हर मिनट बनता रहेगा, हर मिनट, हर आवर्स, हर डे, हर मंथ, हर डे ऑफ वीक करता रहेगा, क्योंकि मैंने स्टार वैल्यू दिया,
देखिए सर दोस्तों बन के, और आप ये लॉग भी चेक कर सकते हो क्या सच में नॉर्मल से, चलिए बिल्कुल देख सकते हो। तो क्रॉन्टफ की लॉग देखते हैं, टेल हाइफन एफ वेयर लॉग क्रॉन लो, तो देख सकते हो दोस्तों ये देखिए क्लाउड नॉलेज से एक्सपुट हुआ। और बाकी पहले वाली जो कमांड थी वो देखिए रूट से चली गई, सॉरी ये तो बाय डिफॉल्ट 10 ही दिखा रहा था, इसने सिर्फ लेटेस्ट वाला दिखा रहा, देख सकते हो ये टच कमांड चलिए क्लाउड नॉलेज यूजर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर नॉर्मल यूजर पे आपने जो क्रॉन टैप लगाया वो हटाना है तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है, सेम कमांड आप चला दीजिए क्रॉन टैप हाइफन आर। अब देखो आप आर लगाते हो ना तो आपसे पूछता नहीं, वो डायरेक्टली जॉब को डिलीट कर देता है, लेकिन अगर आप हाइफन आई लगाओगे ना तो आपसे कंफर्मेशन पूछेगा। तो मैंने हाइफन यू और यू फॉर यूजर क्लाउड नॉलेज, तो देख रहे हो कंफर्मेशन पूछ रहा है, यस रियली डिलीट। चलो दोस्तों इसी तरीके से कई बार कंपनियों में ऐसा होता है कि हमें अपनी स्क्रिप्ट होती है, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो हमें क्रॉन्टैप के थ्रू चलानी होती है, राइट। तो वो भी मैं आपको एक एग्जांपल करा के दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ, स्क्रिप्ट का नाम मैंने यहां पर दे दिया जैसे डेली डॉट एस एच, राइट। और स्क्रिप्ट में मैं एक कमांड टाइप कर देता हूँ कि भाई ये चीज मुझे एक्सिक्यूट करवानी है जब स्क्रिप्ट चल जाए, टार हाइफन सी जेट वी एफ और एक टार फाइल क्रिएट कर देना, नाम रेडर डॉट टार रखना और किसको करना ईटीसी, बस एक छोटा सा कमांड डाल रहा हूं बस स्क्रिप्ट के अंदर। अब ये स्क्रिप्ट मुझे क्रॉन्टैप के थ्रू रन करानी है तो क्या करो, बहुत सिंपल है, क्रॉन्टैप हाइफन ई, अब यहां पर वैल्यू मैंने स्टार स्टार दे रहा हूं क्योंकि ये चीज मैंने आपको टेस्ट रन करा ही दिया है। अब मैंने यहां पर बोला एस एच, स्क्रिप्ट कहां पे रखी है, रूट के अंदर, क्या नाम है, डेली डॉट एस एच, दैट्स इट। अब ये स्क्रिप्ट चल जाएगी, तो स्क्रिप्ट चलेगी तो उसके अंदर जो चीज मैंने डिफाइन किया वो यहां पे आ जाएगी, तो एक मिनट के बाद चलेगी। तो मैंने यहां पर मैं स्लीप 60 कर देता हूँ, राइट, तो मुझे पता लगेगा और मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ, लाइव रख रहा हूँ, आप देखते जाइए। कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, बस बस लास्ट ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, जो हम क्रॉन टैप की बात करें, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और रियली ये प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्रॉन जॉब तो चाहिए ही चाहिए क्रॉन टैप भाई, जॉब शेड्यूलिंग तो हर कंपनी करती है, राइट। तो अब एलएस करता है, देख सकते हो बन गया। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप क्रॉन टैप हाइफन ई, अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं, देखो अगर मैं यहाँ पर कोई भी कमांड यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ, अगर हमने यहाँ पर रीबूट डाल दिया तो क्या होगा, हर एक मिनट में मेरा सर्वर रीबूट होता है, हर एक मिनट। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि मैं जो कमांड डाल रहा हूँ यही आप दो, आप अपने हिसाब से अपनी कोई भी कमांड भी डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों मैं एक्चुअली मेरा कॉल आ गया था तो मुझे पॉज करना पड़ा। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे रिबूट कमांड ही लिखे, जो मर्जी आप कमांड लिखे वो एक्सिक्यूट होगी एज अ शेड्यूलिंग जो आप डिफाइन करते हैं, है ना। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि अगर मैं रिबूट लिखूंगा तो हर एक मिनट में मेरा सर्वर रिबूट हो जाएगा, आप पर्टिकुलर टाइम देंगे तो टाइम में ही रीबूट होगा। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे क्या बताने वाला हूं मैं आपको, देखो कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं हमारे पास जो हमें हर घंटे चलानी होती है, डेली बेसिस पे चलानी है, हर वीक पे चलानी है, हर मंथ पे चलानी है, राइट। तो एक तो तरीका ये है दोस्तों कि आप क्रॉन्टैप हाइफन ई करके यहाँ पर शेड्यूल करते जाइए और एन नंबर ऑफ शेड्यूल करिए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, है ना। आप यहाँ पर जॉब एन नंबर ऑफ जॉब की लिस्ट ऐसे कर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कंपनी के अंदर क्या करते हैं कि ये वाली फाइल को नहीं यूज किया करते, क्रॉन्टैप हाइफन ई को यूज हम नहीं किया करते,
एक्चुअली क्या है कि क्वांटम हाइफन ही हम तब यूज किया करते हैं जब हमें कोई कस्टमाइज जॉब चलानी है। कस्टमाइज का मतलब पर्टिकुलर इस डेट को, इस टाइम को, ये ईयर को, तो उसके लिए हम क्वांटम हाइफन ही इस्तेमाल करते हैं। बट कुछ ऐसी जॉब्स होती है जो हमें डेली चलानी है तो हम क्वांटम हाइफन ई करके उस फाइल को, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक एन नंबर ऑफ लाइन हम नहीं बनाते हैं, है ना, क्योंकि एन नंबर ऑफ लाइन आप बनाओगे फ्यूचर में आपको कुछ एडिट करना होगा तो बहुत डिफिकल्टीज होगी भाई, कौन सी जॉब कौन सी लाइन पे है, कौन सी जॉब कौन सी लाइन पे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। तो सबसे बेस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जो कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो ये होता है दोस्तों, आप यहाँ पे आइए cdetc.cron.d में आइए, राइट, सॉरी cron.hourly नाम का एक फोल्डर बना होता है, cron.hourly नाम का एक फोल्डर होता है, इसके अंदर आइए और यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट रख दीजिए, बस दैट्स इट। अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे लाके रख दिया और स्क्रिप्ट के अंदर आप कमांड डिफाइन कर दीजिए और अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे लाके रख दीजिए, अब वो स्क्रिप्ट हर घंटे चल जाएगा अपने आप, आपको क्रॉन्टेप हाइफन ई ओपन करके डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा होता है, इसके बैकेट में एक डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, एक संजय.sh नाम की स्क्रिप्ट बनाया मैंने, यहाँ पर भी मैंने वही कमांड मेंशन कर देता हूँ, tar hyphen czvf और मैंने यहाँ पर लिख दिया redhatindia.tar और इस फाइल को, राइट, इसके बाद कुछ चीजें और कर देना यहाँ पर, मैंने बोला टच, एक टच करके एबीसी नाम की 10 फाइलें क्रिएट कर देना, ये मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर, ऐसे ही मैंने mkdir abcd नाम की 5 डायरेक्टरी, बस इतना ही करते हैं और फाइल को सेव करके बाहर। तो ये एक मेरी स्क्रिप्ट हो गई, इस स्क्रिप्ट में मैंने अपनी कमांड डिफाइन कर रखा है पहले से। अब आपको क्या करना होगा, आप इस स्क्रिप्ट को ना एक्स की परमिशन जरूर दे दीजिएगा एक्सिक्यूट करने की, नहीं तो फिर चलेगी नहीं। चलो तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया और अब मैं बाहर आता हूँ। अब ये कब चलेगी, एक हर आवर्स चलेगी, तो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 10 बज रहा है, राइट, तो अब नहीं चलेगी ये, 11 बजे चलेगी, जैसे ही 11 बजेगा। तो अब 11 कैसे बजेगा, एक घंटा क्या वेट करना है, नहीं सर, आप अपना टाइमिंग चेंज कर लो बस। तो टाइमिंग चेंज कर लेते हैं डेट हाइफन एस, और टाइमिंग चेंज करना बहुत ही सिंपल है लिनक्स में, आप डेट कमांड चलाइए और जो भी आउटपुट आता है इस आउटपुट को आप यहाँ से कॉपी करिए और देन इस पर डेट हाइफन एस करिए, डबल कोट्स लगाइए और यहाँ पर आके आप क्या करिए, मैंने बोला 10:59, तो अब मैंने डेट चेक कर लिया 10:59, तो एक मिनट बचा है 11 बजे को, जैसे ही 11 बजेगा वो कमांड वहां से एक्सिक्यूट हो जाएगी और यहाँ पर फुटार फाइल आ जाएगी, क्योंकि वो स्क्रिप्ट एक्सिक्यूट हो जाएगा, ये वाली स्क्रिप्ट क्यों एक्सक्यूट हो रहा है, क्योंकि मैंने cron.hourly नाम के फोल्डर पे उसको रख दिया है, बस। तो सिंपल है, आप अपनी स्क्रिप्ट बनाइए, जो स्क्रिप्ट आपको हर घंटे चलानी है एक स्क्रिप्ट बनाइए, स्क्रिप्ट के अंदर अपनी कमांड डिफाइन कर दीजिए, उस स्क्रिप्ट में एक्स की परमिशन, स्क्रिप्ट फाइल के अंदर एक्स की परमिशन दीजिए और उसको cron.hourly फोल्डर के अंदर जाके सिर्फ पुट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना, राइट। तो 11 बज गया है और बस एक्सक्यूट हो ही रहा होगा, थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि टार फाइल बन रहा होगा और तो थोड़ा सा टाइम लेता है और बहुत ही जल्दी आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार फिर से उसके अंदर जाके etc.cron.hourly, तो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया, कैट संजय, ओ हाइफन तो मैंने लगाया ही नहीं है, वो फिर से मैंने मिस्टेक कर दिया, तो मुझे जाके स्क्रिप्ट को सही करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये ट्रबल शूटिंग का पार्ट है, आप देख सकते हो, आपसे भी ये मिस्टेक हो सकता है, राइट। तो मैं क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर हाइफन चार हाइफन सी जेड वी एफ और अब चलो ट्राई करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, या देख सकते हो टार वाली कमांड
री एक्सिक्यूट हो गई और ये देखिए आ गई। तो जैसे ही मैंने उसको परफेक्ट किया कमांड एक्सिक्यूट हो गई, क्लियर। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है ब्यूटी क्रॉन टैक्टी। इसी के साथ साथ अब जरूरी नहीं होता दोस्तों कि आप आवरली वाले फोल्डर के अंदर ही रखें, आप किसी और लोकेशन में भी रख सकते, आप अपनी स्क्रिप्ट को किसी और लोकेशन में भी रखकर एक्सिक्यूट करा सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक फोल्डर बनाया राइट, और माय डीआईआर नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है, माय डीआईआर नाम का फोल्डर बनाया। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना स्क्रिप्ट क्रॉन.डॉट आवरली में क्यों रखूं, मैं यहां रखना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप रख सकते हो। तो हम अपनी स्क्रिप्ट वहां से कॉपी कर लेते हैं, क्रॉन सॉरी हम अपनी स्क्रिप्ट कॉपी कर लेते हैं, etc क्रॉन डॉट आवरली लोकेशन से हमने अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी करके यहां रख दिया लो, ठीक है, और वहां से हटा देते हैं अपनी स्क्रिप्ट जहां पे आवरली पे रखा है, आवरली से हमने हटा दिया लो, ठीक है, हटा दिया। अब क्या करते हैं, ये जो डेटा यहाँ पे बना था इसको डिलीट कर देते हैं। चलो अब हमारी स्क्रिप्ट कहाँ रखी हुई है, MyDI पे रखी हुई है। अब हम यहाँ पे रखकर उसको ऑटोमेटिक एक्सिक्यूट कराना चाहते हैं जैसी आवर्स आ जाए। तो बड़ा सिंपल है, आप यहाँ पे आइए cptc cron.d में आइए और यहाँ पर देखिए डिफाइन है, एक फाइल बनी है जीरो आवरली, इस फाइल को आप ओपन कर लिए और इस फाइल में आप डिफाइन कर दीजिए, बस इस फाइल में आप डिफाइन कर दीजिए, जैसे मैंने बोला 01 मतलब एवरी मिनट फर्स्ट मिनट में ही फर्स्ट आवर्स में ही रन हो जाएगा, बस ये वैल्यू आप यहां पे लिखते जाइए बस, और यहां पर पाथ बता दीजिएगा, रूट किया और रन पार्ट्स, बस अब बताइए कहां पे रखी है स्क्रिप्ट। तो मैंने बोला रूट के अंदर, सॉरी रूट के अंदर एक माई डी आई आर, माई डी आई आर दैट्स इट, फोल्डर मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया। अब फाइल को सेव करके बाहर आइए, अब मैंने अपने लोकेशन में रखकर भी इसको एक्सिक्यूट करा सकता हूं, नो प्रॉब्लम। तो डन, अब ये चलेगा कैसे, आवर्स आने दीजिए, तो अभी तो 11 बज रहा है, तो चलो टाइमिंग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आपको देखना है तो आपको भी अपने सिस्टम का टाइम चेंज करके ही देखना पड़ेगा दोस्तों, ये चीज आप भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसका प्रैक्टिकल आप लाइव देखने के लिए फिर आपको एक घंटे का वेट करना पड़ेगा। तो मैंने भी यहां पर क्या कर दिया, 59 कर दिया राइट, तो एक मिनट के बाद 12 बज जाएगा। तो बस बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है, बारह बज चुका है और उसको एक्सिक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही, उस टाइम का वेट करना है, तो बस उस टाइम का वेट करना। तो देख सकते हो दोस्तों क्रिएट हो गया। तो आई थिंक ये वीडियो आपको, ये प्रैक्टिकल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये जो मैंने ऑटोमेटिक वाला भी डिफाइन किया है, और देख सकते हो मैं क्रॉन टैब हाइफन एल करता हूँ तो यहाँ पर मेरी कोई जॉब नहीं लगी, क्रॉन टैब हाइफन ई करिए कोई जॉब नहीं लगेगी, मेरी जॉब जो है ऑटोमेटिक शुरू होगी। इसी तरीके से थोड़ा सा और एडवांस आपको सिखा देता हूँ, आप यहाँ पे आइए etc.cron.d में आइए। अब देखिए ये वाली फाइल अगर आप ओपन करिए फिर से आवरली वाली, तो यहां पर दोस्तों आप देखो, अगर यहां पर आप आवर्स भी सेट कर सकते हो, मिनट भी सेट कर सकते हो, और मंथ भी, सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, और यहां पे आके आप अपना पाथ डिफाइन कर सकते हो, क्लियर। इसी तरीके से और भी होता है दोस्तों, यहां पर देखो आप cron.tab करिए, तो देखिए यहाँ पर डेली नाम का फोल्डर है, आवरली नाम का फोल्डर है, मंथली नाम का फोल्डर है, एंड वीकली नाम का फोल्डर,
अगर आपको कोई जॉब हर आवर चलानी है तो देखो बाय डिफॉल्ट आप क्रॉन डॉट आवरली फोल्डर के अंदर जाके अपना स्क्रिप्ट रख दीजिए, वो एक्सक्यूट हो जाता है। अगर आपको डेली चलानी है तो डेली वाले फोल्डर पे रख दीजिए, मंथली चलानी है तो मंथली पे रख दीजिए, वीकली चलानी है तो वीकली पे रख दीजिए। तो मैंने आपको आवरली वाला करके दिखा दिया। अगर आपको डेली मंथली और वीकली का चेक करना है तो आप ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, ये आप करिएगा। अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। हाँ, आप अगर डेली पे रखेंगे तो टेस्टिंग कैसे करेंगे, सेम चीज है, आप डेट एंड टाइम चेंज करके बदल दीजिए उसको। जैसे मैंने आवर पे जब मैं रख रहा था, क्रॉन डॉट आवरली पे जब मैं कोई स्क्रिप्ट रखा था तो मैं कैसे टेस्टिंग किया, डेट चेंज कर दिया, टाइमिंग चेंज कर दिया। आप डेट चेंज करके देख लीजिए, क्लियर। चलो इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और थोड़ा सा और आगे क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर से लॉग इन करता हूँ, जैसे क्लाउड डॉट नॉलेज, अगर नॉर्मल यूजर कोई क्रॉन टैब लगाने की कोशिश करे तो देखिए अभी यहाँ पर वो लगा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही, आराम से वो यहाँ पर जॉब लगा रहा है। चलो तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल यूजर भी जॉब लगा रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना। नॉर्मल यूजर ने अपने अकाउंट से लॉग इन करके उसने एक जॉब लगा दी यहाँ पर, लोग कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो भी कर सकता है, लेकिन वो वही जॉब लगा सकता है जो उसके पास राइट्स है ना। पर अगर हम ऐसा चाहते हैं कि नॉर्मल यूजर क्रॉन्टेप लगा ही ना पाए तो क्या करेंगे, कैसे ब्लॉक करेंगे नॉर्मल यूजर को, तो आपके सामने एक फाइल होती है क्रॉन डॉट डिनाई, डिनाई के अंदर आइए और चुपचाप से यूजर का नाम लिख दीजिए क्लाउड नॉलेज, दैट्स इट, बस। तो अब अगर क्लाउड नॉलेज नाम का यूजर अगर यहां पर क्रॉन टैब हाइफन ई करता है तो देख सकते हैं क्या बोल रहा है, यू आर नॉट अलाउड, हमने ब्लॉक कर दिया। बाय डिफॉल्ट सारे यूजर अलाउड होते हैं, जिस यूजर को आप ब्लॉक करना चाहते हैं आपको कुछ नहीं करना, क्रॉन डॉट डिनाई पे जाके एंट्री कर दीजिए। लो एक और यूजर आ गया, लो हैरी, एक और यूजर आ गया, नताशा, बस एंट्री करते जाइए डिनाई। इसी तरीके से एक और फाइल होती है दोस्तों क्रॉन एटीसी के अंदर, क्रॉन डॉट अलाउ, आई थिंक अभी लेटेस्ट वर्जन में आई थिंक शायद वो अलाउ वाली फाइल हटा दिया इन्होंने, क्रॉन डॉट अलाउ, आई थिंक मुझे लगता है खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, कोई नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। नॉलेज तो 2 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, यस तो ठीक है। एक्चुअली क्या वो फाइल एक्सिस्ट नहीं कर रही थी तो आप एक बना दीजिए, राइट। तो मैंने क्या किया, क्रॉन डॉट अलाउ बना दिया और उस पर एंट्री कर दिया। तो अगर मैंने क्रॉन डॉट अलाउ पे एंट्री कर दिया और उसके बाद अगर क्लाउड नॉलेज से क्रॉन टेप लगाने की मैं अगर यहाँ पर कोशिश कर रहा था तो इसने अलाउ कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, हुआ क्या, मैं आपको समझाता। देखो बाय डिफॉल्ट तो सारे यूजर को अलाउ होता है क्रॉन टेप में जॉब लगाने, अगर किसी को डिनाई करना है तो आप क्या करते हो, ईटीसी क्रॉन डॉट डिनाई वाली फाइल में आके आप एंट्री करते हो, डिनाई हो जाता है। लेकिन अगर उसी यूजर की एंट्री आपने अगर क्रॉन डॉट अलाउ में कर दिया, सॉरी क्रॉन डॉट अलाउ में अगर आपने कर दिया तो वो यूजर फिर से अलाउ हो जाता है। मतलब एक तो फाइल हो गई क्रॉन डॉट डिनाई, एक तो फाइल हो गई क्रॉन डॉट अलाउ। अगर आपने अलाउ में एंट्री कर दिया तो अलाउ वाली फाइल को प्रियोरिटी दे देता है, फिर डिनाई को नहीं समझता, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से इंटरव्यू में बहुत ज्यादा ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, जो चीज मैंने आपको बताया कि भाई किसी यूजर को डिनाई कैसे करना बताइए, है ना, ऑटोमेटिक टास्क कैसे चलाना है पर आवर बताइए, वो भी मैंने आपको सिखा दिया, कस्टमाइज कैसे करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, राइट। और इसी तरीके से दोस्तों और थोड़ा सा इजी मेथड में आपको बताता हूँ, अगर आपको क्रॉन टैप के बारे में बहुत इजी तरीके से क्रॉन टैप शेड्यूलिंग करना है ना, तो चुपचाप से आप इंटरनेट पे आइए और यहाँ पे आपको सर्च करिए क्रॉन टैप जनरेटर ऑनलाइन, बस आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये ऑनलाइन जनरेटर टूल ही आपको पूरा कपड़ा सिंटेक्स बना कर देते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे आप मिनट सेलेक्ट कर लीजिए,
एवरी मिनट चलानी है या इवन मिनट पे या ऑड पे, आवरली, डे, राइट, मंथ, वीक, और क्या कमांड चलानी यहाँ पे डिपेंड करते, बस कौन सी कमांड एक्सिक्यूट करनी है। तो मैंने बोला इको हेलो इंडिया कमांड एक्सिक्यूट कर, बस। और इसका आउटपुट कहीं रखना है क्या, तो मैंने बोला हाँ मुझे रखना है, कहाँ रखना है, मैंने बोला माई फाइल पे रखना है, माई फाइल डॉट टीएक्सटी, बस। जनरेट क्रॉन्टैब लाइन करिए, अब देखिए इसने खुद ही बना के दे दिया, बस चुपचाप से ले जाके आप क्रॉन्ट डॉट ई करके पेस्ट कर दीजिए, सेव करके बाहर आ जाइए। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आप ऑनलाइन के थ्रू भी क्रॉन्टैब जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्रॉन्टैब का टॉपिक था, और आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी लैब करेंगे, और इसके बारे में बहुत ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, और थोड़ा सा आप भी इसके बारे में इंटरनेट पे और जाके इसके डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करिए, है ना। थोड़ा सा क्रॉन्ट जो मैंने आपको जनरेटर बताया, इस पर थोड़ा सा आप यहाँ पे अपने से थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, सिंटैक्स को, टाइमिंग को बदल बदल के चेक करके प्रैक्टिकल करिए, और जितना मैंने क्रॉन्टैब के बारे में बताया, अगर आप इतना भी लैब कर लेते तो आपका इंटरव्यू बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा भी इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है ना। जो मैंने आपको बताया पूरा का प्रोडक्शन यूज केस के हिसाब से मैंने आपको, ठीक है। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ऑफ करते हैं, और सच में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को और फ्रेंडों को शेयर करिए। चलो दोस्तों बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी।